जब मुझे रोजा बहुत के गाड़ी के टायर के नीचे एक खाता बाबा जी के मौत का समा पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं सो दो लग हुआ भाई जी के जल्दी करो सब्सक्राइब करो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नहीं सब्सक्राइब करो किल यू हमारे सीएम मिस्टर जे प्लेस जिन्होंने अपने फंड से खुद ऑर्गेनाइज करवाया है और माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए जितनी दुआएं दी जाए कम है। ये ऐसी अभी शुरुआत है, आखिरी रोजे भी हमने यहाँ पे करवाने हैं, तो मेरा आवाम से यही है कि सारे हैं यहाँ पे हमारे साथ अफतारी में आए, खाना शाना बिल्कुल फ्री है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि सारों को यहाँ पे बुलाओ, हर बंदा इन्वाइटेड है। चांद रात वाले दिन यही जगह बहुत खूबसूरती से सजेगी। क्या करता है रे तेरी तो अभी आपको पता है ना एक फिल्म का एक वो बड़ा शॉर्ट क्लिप चल रहा है, अब्बा अपने बेटे को कह रहा है बेटा तुम्हारा दिल करे ना ही बनने का तो ही बन जाना, शी बनने का दिल करे तो शी बन जाना। मुझे अफसोस हो रहा है कि उस पर एहतजाज होना चाहिए था, जिस तरह होना चाहिए हो नहीं रहा। ये तो हमारी नस्लों को खराब नहीं कर रहे, आप बर्दाश्त कर रहे हो अपनी सोसाइटी में ये सब चीजें? पुरमन एहतजाज तो कर सकते हो ना भाई, सोशल मीडिया पे हम थोड़ी कह रहे मार धाड़ करो जाके, सोशल मीडिया पे एहतजाज तो कर सकते हो। कैसा जहर घुलाया जा रहा है, बच्चा लड़का है उसको बाप कह रहा है कि बेटा तुम्हारा दिल अगर साड़ियां पहनने लिपस्टिक पाउडर का करे तो बता देना मैं वो तुम्हारे अम्मी वाले कपड़े ले आऊंगा। वो काम जो किसी जानवर ने नहीं किया, गधे घोड़े नहीं करते, आज हमारी सोसाइटी में उस काम को प्रमोट किया जा रहा है। जो जानवर नर पैदा होता है मौत तक नर रहता है, जो मादी पैदा होती है वो मौत तक मादी रहती है। वो अपनी फितरत, कभी शेर अपनी फितरत तब्दील नहीं करता, गधा अपनी फितरत तब्दील नहीं करता, बिल्ला अपनी फितरत तब्दील नहीं करता। इंसान पर कैसा अजाब आया है कि बाप मुहाफिज था, वो अपने बेटे को कह रहे कि तेरा अगर बेटी बनने का दिल करे तो मुझे बता देना। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। तू क्या देख रहा है? अभी भी देख रहा है? सारे वापस आ गए, सामने तायाबू खड़े वो हाजिर है। इधर नीचे नहीं गया अभी तक, जाओ नीचे जा। ये इधर नहीं आ सकता। अच्छा रुक, तेरे को बताते ये अंदर नहीं आ सकता। आगे स्वाद जैसे मेहनती लोगों के लिए हम भी कुछ करें ना, अल्लाह ने अगर थोड़ा सा हमें दिया तो उसमें हम आपका भी तो हिस्सा दिया ना। भाई कह रहे हैं कि मेरी तनख्वाह अभी लेट हो गई है, भाई ने फोन किया था आ नहीं है घर में, मेरे भाई ने बोला घर पे तनख्वाह नहीं है। इन्होंने कहा मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने आप लोगों को भी यार मैं आपको सही बता रही हूँ, ये रेंडम बंदा था पता नहीं कौन, हमें तो पता हमने तो उठा ही, हमने बोला इस तरह करेंगे ये तो चुप रही है, वो इतना हंस रहे, इतना खुश और इतना मजा आया ना भाई, उस बंदे का सबसे ज्यादा मजा आया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत देखें हम चाहते हैं कि सब एंजॉय करें।
Why did you have so few of them in your top brass when you were in government? Well, it's a merit system. I mean, you had one of the worst records of female representation over the last few governments. Yeah, but look, you want a system of merit. In the US, you haven't had a woman president so far. The point is that you select a cabinet on merit, people who are going to deliver. If you do get back into power, will you work to improve that record? Absolutely not. मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते. नहीं नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं. Please follow my Instagram. क्यों हमने ये इस तरह का ये माहौल बनाया हुआ है कि जी औरत, अच्छा जी स्कूटी पे टांग खोल के नहीं बैठेगी, तो 1400 साल पहले ऊंट पे कैसे बैठती थी खवातीन, घोड़ सवारी कैसे, हलीमा सुल्तान घोड़े पे कैसे बैठती थी ये बता दो. अभी बता दे भाई, फलानी साहबिया ऊंट पे बैठी थी और घोड़े पे बैठी थी, तो क्या घोड़े और ऊंट पे इस तरह बैठना मुमकिन है जिस तरह औरतें हमारे यहाँ कराची में बैठती हैं? घोड़ा तो उस जमाने की सवारी थी, कहीं भी सफर करना होता घोड़े पे या ऊंट पे, इसमें इस तरह बैठने का ऑप्शन ही नहीं है. सही है ना, आप मिसालें दे रहे हैं घोड़े और ऊंट की, जबकि बाइकों पे तो शहरी औरतें हमेशा से ऐसे बैठती आई हैं कि दोनों पांव एक तरफ. ये हया के ज्यादा करीब है, इस पे कुरान और सुन्नत से हवालों की जरूरत नहीं है. क्या आप कहें कुरान हदीस से दिखाओ मोटरसाइकिल पे इस तरह बैठना हया के खिलाफ है? मोटरसाइकिल थी नहीं तो कहां से दिखाएंगे कुरान हदीस से? आप हवाला ऊंट का और घोड़े का दे रहे हो, उस पे तो मुमकिन ही नहीं है इस तरह से बैठना. और उसमें भी बहुत सारी रिवायात मिलती है जिसमें हौदज में बैठी है. अब सवाल ये पैदा होता है, जब इस तरह बैठना मुमकिन था तो हौदज में क्यों बैठी? जाहिर हया की वजह से बैठी ना, तो इस तरह भी बैठी है जरूरत के वक्त, उस तरह भी बैठी है, दोनों तरह से बैठी है. ينشط ذاك السقيم العليم وقد كان.